भाई साहब ने नंबर दिया आपको, मेरे भाई साहब का नंबर में नहीं जा रहा है गूगल पे, आपको कर आपके पे भेज रहा हूँ मैं। मैंने क्या भाई साहब चला गया, 5 साल हो गया भाई साहब नहीं है, कौन सा भाई साहब ने भेजा ना बताना, बोलो तो पूरे कर दिया। कालो किस मारे ली माई बांधे कोरी बाना। गुड मॉर्निंग नोनू, गुड मॉर्निंग मामा। चले नोनू अब हम जा रहे हैं बाबू आपको, ठीक है। एंड गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सुबह देखो और रात देखो, आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा बढ़िया लगता है? मुझे तो रात का टाइम ज्यादा अच्छा लगता है। नोनू 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 आज नोनू, गुड मॉर्निंग बहन। जिम निकल रही क्या तुम? तो गाइज बहन तो चले हम भी चले, बाय नोनू। हाँ मैंने लियो। तो गाइस अब निकल रहे हैं हम घर के लिए, और नोनू देखो ना कैसे खड़ा हो गया। फिर कहाँ आप लूटू पुटू कहाँ कर रहे हो फिर जाके? तो मैं ऑलरेडी आज लेट ना हो जाओ जिम के लिए, बहुत ज्यादा थर्सडे आज, मुझे पूजा भी करनी है, जिम भी जाना है, तो ट्रैफिक ना मिले यहाँ इस टाइम ना, ऑफिस आवर है, ट्रैफिक मिलने के चांस है। चलो 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 बाय नोनू। बाय। अपने घर में बहुत एक्टिव हो गया पूरी रात, इधर से उधर सामान गिराते हुए पूरा, कभी उसको गिरा रहा है, कभी इधर गिरा रहा है, कभी उधर गिरा रहा है। बहन अपने घर में तो बॉस है, इसको पता है ना, ऑनर है भाई यहाँ पे, वहाँ पे तो रेंटर बन जाता है एकदम है। अब आप लोगों को सीधा घर के अंदर मिलते हैं। गाइस आ गया हूँ मैं घर आफ्टर वर्कआउट, और आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने आरो लग गया घर पे। आरो देखो कहाँ है, ये जो है ना आरो का पानी, ये है आरो का पानी है, तो ये लगा रखा है अंडर सिंक। ये देखो आजकल कितना एडवांस हो गया, देखो नीचे के साइड लगा रखा है आरो। और अभी फिलहाल के लिए तो आपको यहाँ पे भी दिख रहेगा ये जो ये, बट इसको हटा देंगे गाइस हम ना, ये सिर्फ अभी टेम्परेरी था, अब इसको हटाने का टाइम आ गया। कल मम्मा मुझसे कह रही है कि बेटा जल्दी आ जा, लेट मत कर जिम में, 1 बजे तक खाना खा ले, आदत बिगड़ जाएगी। आज 1 बजे तक खाना क्यों तैयार नहीं है बताओ? कल तो बड़ा लंबी लंबी फेंक रहे थे। आज आर वाला आ गया। हाँ वो काम वाली नहीं है, घर दिखा दे। काम वाली दीदी ने भी कसम से आज मम्मा और मैं जस्ट सुबह सुबह आए गए। गाइस मुझे व्हाइट तिल गोल के चटनी के लिए, ये देखो पूरा बहुत बड़ा है। चलो गाइस आप लोगों को ना सीधा घर के अंदर मिलते हैं। तो गाइस आप देख रहे हो आज बना रही मम्मी गोल की चटनी है ना, और मैं अभी जस्ट व्हाइट तिल लेके आया हूँ। ये हमारे वहाँ के लोग बहुत बनाते हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छा। आज कैसा एकदम से आपका मूड बन गया गोल की चटनी? अच्छा दाल चावल गोल की चटनी। अब गाइस आप देख लेना गोल की चटनी कैसे बनती है। खीरा लाया गया, मामा को चाइनीज खीरा चाहिए था बट चाइनीज खीरा खत्म ही हो गया, एक आंटी ने बोला सोसाइटी के बाहर भी नहीं है। तो आज क्या प्लान है? आज मेरी माँ का कुछ प्लान है, मैंने सुनने में आया है, मेरे कान सुन रहे थे आप। तो पैसा मिला, मैं चश्मा बनाऊंगी। और आज अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आई थिंक कहीं जा रहे हो मूवी। अच्छा उनके घर, सही है सही है। तो गाइस मम्मा तो जा रही है आज आंटी के यहाँ पे, आंटी के यहाँ स्टे करेंगे, और आज मेरा भी प्लान बन रहा है मूवी देखने का अपने दोस्त के साथ। जो मैंने सब काटा था अब मैं इसमें डाल रही हूँ। कितने को आता है मेरे नेपाली दीदी बहनी बताऊ है, मलाई आउँछ या आउँदैन अब मलाई कमेन्ट गर्देऊ न ल। खोर्सानी पिसेन पो रहेछ। कति कल आउँछ तपाईँको बेस्ट फ्रेन्डको आन्टीको कल आउँदैछ? उठाइदिएन मैले खाना बनाइरहेको छु। सुन्दर वाला निकाल्यो, वाला मत निकाल्यो। गाइस देख रहे हो इतनी सुंदर हो मामा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप भगवान ने आपको नेचुरल ब्यूटीफुल बनाया मामा। आप जैसे अगर लाइफ पार्टनर हो ना तो 2 नींबू लिया हूँ, ठीक है। नींबू को दाना होता है, इतना नहीं अंगूठा क्या करा पता है, मुझे दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, निकलेगा आज तेल गर्म हो रहा है, ठीक है। इधर में नींबू खट्टा के लिए ना, खटाई के लिए नींबू है। अच्छा बेटा ऐसे बनता है, ये कौन सा तेल यूज करा मैं इसने? मैं सरसों का तेल कर रही हूँ। त्यो मान्छेले त मलाई निम्बु पनि त ऊ बाँदरको जस्तै दिएछ नि त। रसायन अनुकले आफै देखाउँ कि फाइनल गरौँ कि चले जाउँ, ठिक है। गाइज मैं आज ये शूट नहीं कर रहा था बट मम्मा ने बोला मैं आज गुर के चटनी बना रही हूँ तो तू शूट कर ले अपने व्लॉग के लिए। खाते रहते खाते रहते, आप लोगों को मेरा ना रेसिपी पसंद आ रहा है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे।
सही कहते थे आप लोग कि आंटी आप चैनल खोल लो, आप मुझे विश्वास होने लग गया, तो गोथे चटनी को रेसिपी दे रही हूँ हमारे। तो क्या मैं लोगों को बोलूँ कि आपके चैनल आने वाला है? नहीं 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 आएगा। गाइस मम्मा मुझे ना दिन रात काम करते हुए देखती है, मतलब मम्मा को पता है कितना एडिट करता हूँ रातों रात बैठ के। कई लोग ना इसमें जीरा भी डालते हैं, मैं डाल रही हूँ सरसों, सरसों दाना काली सरसों, ठीक है मैंने इसमें डाल दिया। बढ़िया, तो आप लोगों के लिए गाइस सरप्राइज होगा, कल भी मैंने रेसिपी वीडियो डाली, आज भी रेसिपी वीडियो। खुशबू सुन, इसको खुशबू मुझे, काश आप लोगों को मैं खुशबू सुना पाता गाइस, बहुत सही। हल्दी डाला, ठीक है उधर जा थोड़ा, आप भी पीछे हो जाओ, मुझे तो ऐसे बनता है गोर की चटनी, प्राउड टीवी गोरखा, जय गोरखा। अब इसको ऐसे करके मोलना है, रेसिपी तो मैंने बता दिया सारा, ये बनाओ। और कई लोग ना इस तरीके से ना चोखा भी बनाते हैं। एंड गाइस 1000 वीडियो बन गए मेरे, व्लॉग बन गए 1000, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आमा 1000 वीडियो मतलब शॉर्ट्स हटा के, हमारा फिर डाइनिंग टेबल लग चुका है और आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी शेयर कर दिया गोरखे चटनी का, और ये दाल और इसके अंदर राइस है। गोरखे चटनी मैं खा के टेस्ट करूंगी। चलो आज मम्मा पहले टेस्ट करके बताएंगे। कैसा? बढ़िया। एक बार मेरे को भी दिखाना, बहुत मिर्ची है, खाने से लगा हल्का सा, खाना तो खाने ही, हल्का सा दिखाना। सही है, इतना ज्यादा नहीं है, नमक से नमक लेके आऊं? पुरुष नहीं है, जल्दी आजा, आजा भाई आजा, एक घंटे में चक्कर आने वाले बंदे, आजा। उसके पता क्या होता है, कुछ लोग करते सिर्फ जिम और कुछ लोग जिम को तोड़ के आते हैं। मैं तेरे से शर्ट लगा रहा हूँ, जितना मैं जैसे मेरा शुरू का वर्कआउट होता है ना, अगर तूने कर लिया ना तो मैं जो तू बोलेगा वो करूंगा भाई। कम से कम 45-50 बर्फीज करनी है तेरे को, ठीक है? उसके बाद तेरे को रनिंग करनी है कम से कम 20 मिनट, ठीक है? उसके बाद तेरे को चिन अप करने 15 के 3 सेट, ठीक है? उसके बाद तेरे को वो लंजेस करने, और फिर हम मिलेंगे। अगर तूने ये कर दिया ना, ये जो बड़ा वाला LCD आना है ना, वो मैं तुरंत ले आऊंगा जल्दी, ठीक है ना? क्या कह रहे मामा? क्या कह रहे मामा? क्या कह रहे? देखते कल कर दूंगा, LED आ जाना चाहिए। आ जाएगा, मेरे को चाहिए 2.5 लाख रुपए वाली टीवी। 2.5 लाख? मैं 1.5 लाख बोलने वाली थी भाई, 1.5 लाख का आ रहा है, 2.5 लाख का, 2.5 कह रहा सीधा सीधा, ये तो और ज्यादा महंगे पे, 1.5 लाख से ज्यादा महंगा आता भी नहीं है वाला टीवी भाई। वहाँ था 2.5 लाख का, सोनी का था, सबसे महंगा जो स्टोर में होगा वही लेने के आना। तो भाभी आज भाभी आज आपके साथ क्या हुआ बता दो हमारे व्यूअर को, स्कैम हुआ ना? स्कैम क्या हुआ? और मम्मा के साथ और बड़ा सीन हुआ था। मुझे तो बोलता है वोई 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 कि मैडम कि आपका नंबर आपको ना पेमेंट करना है, मुझे बोलता है, ये हो गया 2-3 महीना पेमेंट करना है। गूगल पे आपको कर आपके वो भेज रहा हूँ मैं। मैंने क्या भाई साहब चला गया, 5 साल हो गया भाई साहब नहीं है, कौन से भाई साहब ने भेजा ना बताना, बोलो तो पूरे कर दिया। देखो भाई तो बता रहा आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे, बिल्कुल मत करना ओटीपी शेयर, कोई चाहे कुछ भी बोले। आज एक बंदा जिम में ना बेहोश हो गया, वो जो करता हूँ ना वो नीचे, वो जो जिसके साथ मैं वर्कआउट करता ना, वो कह रहा भैया मुझे चक्कर आ रहा है, लेट गया वो, जो लड़का जो बात करता है वो चक्कर वो चक्कर आगे भी हो गया भाई वो। मैंने बोला भाई थोड़ा ध्यान रखो। चलो गाइस अब करते हैं लंच, और बढ़िया ये देख लो गाइस, दुबई का अलग ही दिखा हुआ है दुबई, यहाँ देखो एक जगह तो ऊँट भी बना था ये रहा, और ये इसके अंदर ना खजूर वाली चॉकलेट है। थैंक यू सो मच रिजू, इस चीज के लिए बहुत बढ़िया गाइस, दुबई जा रहे हो ना कभी जाते ये ट्राई जरूर करना। ये देखो गाइस कितना गंदगी इसके अंदर, ये निकाला जा रहा है अभी, आपके साइड तान है
कितना साफ हो रहा है गाइस, देख रहे हो पूरा क्लीन हो रहा है। और आज हमारी काम वाली दीदी आई नहीं और हम लोग बहन के यहाँ गए थे तो डबल हो गया ना मम, वरना अभी तक ये सारा सफाई कर देती दीदी। बट ऐसी है मम्मा के साथ, ऐसे होता है गाइस, जब भी मम्मा कहीं जाती है ना तो मम्मा के साथ ऐसे होता है, जितने भी काम वाली दीदी उसी दिन छुट्टी मारती है। यहाँ देखो गाइस अपने चार्जर पे नाम लिख रखा रोशन भाई ने। भाई तूने चार्जर बहुत खोए रस्ती, तू चार्जर खराब करता मतलब है। आप यकीन, आप यकीन कर, आप गाइस मैं बताता हूं, नहीं नहीं मैं बोलता हूं गाइस आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा चार्जर एक चार्जर से कम 6 महीने 1 साल चला है मेरे चार्ज से, अब मैंने कभी नाम नहीं लिखा। आज इस बंदे ने चार्जर क्या कर, जब एक ही चार्जर है तो नाम कैसे लिखेगा भाई, लिखाऊंगा क्यों नहीं, और भी चार्जर थे घर में, चार्जर हो गए इसलिए नाम लिखा है, कहीं तू मेरा चार्जर ले जाए और फिर बाद में बोले खराब हो गया, अपना चार्जर मेरे को दे दे। इस एक मम्मा को देखो ना आप लोग, फिर बोलेंगे मम्मा को रेस्ट दो, मम्मा का काम लगी रहती है। दीदी काम वाली दीदी भी रखी हुई है आज, वो आई नहीं है। अरे लोगों को लगता है कि आंटी को रेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी लगे लोगों को ऐसा कोई इशू नहीं, ऐसा करने से क्या रहता है, मम्मी फिट एंड फाइन रहता है। सही बात है, बैठे नहीं रहना होता। मम्मी खुद आलस हो गई, मम्मी कह रही थी मैं काम नहीं कर रही हूँ। काम करा दिखा दे। ये देखो गाइस अभी आप लोगों ने थोड़ी देर व्हाइट हो रहा है ना, रोशन रोशन तूने देखा नहीं मम्मी ने क्या काम किया, जो जो खड्डा है वो नीचे गया, नहीं है तो नहीं गया। देखो गाइस वो काला काला सा कितना चलता है वो देखते हैं, ड्यूरेबिलिटी देखना पड़ेगा, लागो दो भाई ड्यूटी लग जाएगी, ये हो जाएगा तो कर देंगे, ऐसा नहीं। चाय पियेंगे और फिर काम के लिए निकलेंगे। और ये देखो मौसम सही बना पड़ा एकदम। तो गाइस घर आ चुका हूँ और अभी मम्मा को मुझे ड्रॉप करना है आंटी के यहाँ पे, और अपने एक दोस्त के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, मडगांव एक्सप्रेस करके मूवी है, देखते कैसा मूवी होगा आप लोगों को बताऊंगा, बट वहाँ मैं व्लॉग नहीं बनाने वाला। ऑलरेडी मैंने सुबह से बहुत अच्छे अच्छे क्लिप शूट कर रखा है आप लोगों के लिए और आप लोगों ने देखा हुआ, आई होप सो आपको पसंद भी आया होगा। एंड गाइस थैंक यू सो सो मच, आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो को इतना पसंद कर रहे हो और इतना सपोर्ट कर रहे हो, और मैं शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा कोशिश करूँगा कि या तो फनी वीडियो होगा या तो रेसिपी की शॉर्ट्स वीडियो डालूंगा। और इतना ही गाइस अब मैं भी ब्लॉग को एंड करता हूँ, सो आज के वीडियो को ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सो दिस इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आप मेरे चैनल पे नए जाके जरूर बेल आइकन दबाइए, मिलते हैं न्यू वीडियो ने ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, आई लव यू एंड बाय बाय, गुड नाइट।